नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बीएड परसेंट बीसीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल चल रहा है। अभी आप लोग जानते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि बीएड को उन्होंने प्राइमरी से बाहर कर दिया है और सीटेट भी रद्द हो गया है। केवीएस से भी बीएड को बाहर कर दिया है और बिहार प्लस वो बिहार में जो टीचिंग की भर्ती है उसमें भी दिक्कत हो रहा है। अब इसी बीच में योगी सरकार का बड़ा बयान निकल के सामने आया है, बीएड वालों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी का माहौल हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएड के स्टूडेंट थे जिन्होंने बीएड कर रखी है और बीएड कर रहे हैं, उनके पास बहुत ही उन्हें सदमा लगा हुआ, क्या बताएं, बहुत ही दिक्कत हुई उन लोगों को। जैसे जब से सरकार ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बीएड को हम प्राइमरी से बाहर कर रहे हैं। इन्होंने 5 साल पहले बोला था कि बीएड को हम प्राइमरी में ऐड कर रहे हैं, तब भाइयों ने बीएड करने की शुरुआत की थी और बीएड को इन्होंने बाहर करने के लिए बोल दिया है। तो दिक्कत तो होती है, हालांकि देखिए हम कुछ भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, कुछ भी करेंगे हम नौकरी के लिए करते हो, हमने काफ़ी मेहनत की बीएड की, क्यों ना हम बीटीसी कर लेते अगर प्राइमरी से और बाहर करना होता पहले बता दिया होता तो हम बीटीसी करते बीएड ना करते। लेकिन बीएड वालों स्टूडेंटों के पास आखिरी मौका बचा है, इन्होंने ट्विटर अभियान चलाकर भी देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ ट्विटर अभियान से। अब आपके पास एक अंतिम मौका बचा है, बीएड वाले छात्र क्या करें, कैसे आपकी सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी थोड़ा उसमें फैसला आया है और सीटेट भी रद्द होने की संभावना है, लेकिन अभी हुआ नहीं। बीएड वाले स्टूडेंट तो बर्बाद हो ही चुके हैं पूरी तरीके से। मैं आपको बता दूं, जो भी बीएड के स्टूडेंट ने छात्र छात्रा जो भी भाई बहन हमारे छोटे या बड़े, सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है, एक आपको लेटर लिखना है, अब जो आपके प्रेजेंट के विधायक या कोई जो भी है उनके लिए एक लेटर लिखना और आपको एक मुख्यमंत्री के लिए लेटर लिखना, सभी लोगों जितने भी भाई बीएड कर रहे हैं, जितने भाई बहन बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों एक लेटर लिखना अपने विधायक के लिए या आपको धरना अब वो लिखना है, ठीक है, लेटर भेजना है। भेजने के बाद अगर ऐसी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारे पास अंतिम मौका सिर्फ यही है कि हम धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन करना होगा तभी कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ हमारे भाई बहन धरना प्रदर्शन बैठ चुके हैं, लेकिन अब हमें इस योगी सर से ये बात पहुँचानी होगी कि योगी हमारे जो सीएम मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ हैं उनके पास ये हमारी बात पहुँचानी होगी कि हमारे जिंदगी का सवाल है भाई, प्राइमरी से बाहर कर दिया है, हमने इतनी मेहनत की, इतने मन से बीएड किया पर आपने बाहर कर दिया, पहले ही बोलती होते तो हम बीएड ना करते, बीटीसी कर लिए होते। तो इसमें अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे, थोड़ा बहुत हंगामा करोगे तो शायद सरकार को आपका सुन सकती है। और ये सरकार के पास तो आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट वाला कोई कोर्ट तो नहीं है, मैं फैसला इसी का होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हो इसमें, ठीक है, आप लोग चाहो तो भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है। प्राइमरी में ऐड भी किया जा सकता है, बीएड को प्राइमरी में ऐड किया जा सकता है, आपको प्राइमरी मिल भी सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिर्फ यही एक आपके पास ऑप्शन बचा है लास्ट, धरना प्रदर्शन वाला, अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा, अगर नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगी आगे चल के। अगर थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी भाई बहन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं आप उन्हें जाकर सपोर्ट करें, आप उनके सपोर्ट में बोलें तो ही कुछ हो सकता है। अगर ऐसे ट्विटर चला के देख लिया, हम लोगों ने ट्विटर से कोई हेल्प नहीं हुई उन लोगों को, ट्विटर हमने काफ़ी दिन चलाया, ट्विटर हमारे भारत में 2 नंबर पर ट्रेंड किया, जो बी एड वर्सेंट बी सी टी के हमसे नाम से ट्विटर चलाया था वो 2 नंबर ट्रेंडिंग में चला पूरे भारत में, 2-3 दिन लगातार हमने चलाया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सरकार पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही योगी तक हमारी बात पहुंची है ना ही पीएम तक बात पहुंची है। अगर आपको बात पहुंचाना है तो थोड़ा बहुत तो हंगामा करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी कुछ हमारी बात पहुँचेगी। और यही एक जरिया है आपका, जो आपके पार्टी के जो एमएलए साहब या विधायक हैं उनके पास आपको एक लेटर लिखना है, उनसे अपनी बात रखनी है, उनसे बोलना है कि हमारी सर सीएम सर से बात करवाएं एक बार, और जो भी हो सकता है वो मैं आपके लिए करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई पर्सनली क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ आज ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर चलाओ करते सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।